नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत ने जब से कश्मीर से 370 हटाया है, तभी से पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पाक सरकार सभी मिलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह भारत पाकिस्तान के हर नापाक चाल को धराशायी कर देता है। पाकिस्तान ने जब भी भारत के खिलाफ कोई गैर कानूनी चाल चली तो भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारत के करारा जवाब से पाकिस्तान तिलमिलाया ही नहीं, मुंह के बल जमीन पर गिरा है। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान की एक और चाल को भारत ने बेनकाब किया है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। अब पाकिस्तान सीमा के उस पार से कश्मीर की हवाओं में जहर घोलने का काम कर रहा है, जिसे भारत ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान अपने रेडियो चैनलों के जरिए कश्मीर के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान FM चैनलों को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अपने FM चैनलों की रेंज को बढ़ाकर सीमावर्ती कश्मीरी लोगों को प्रभावित कर रहा है और अपनी नापाक बातों को कश्मीरी लोगों तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की चाल है कि कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके के लोगों को बरगलाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले के बॉर्डर वाले इलाके में पाकिस्तान के रेडियो चैनल को सुना जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने रेडियो चैनलों पर जहर उगलता है और भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को अंजाम देता है। पहले तो कश्मीरी लोगों को फंसाने के लिए भारत के मधुर गीत बजाए जाते हैं, फिर पाकिस्तान अपनी नापाक चाल को शुरू करता है। पाक रेडियो चैनल विशेष तौर से युवाओं को टारगेट करता है और भारतीय युवाओं को भारतीय सेना, धर्म और कश्मीर में खून खराबे के लिए उकसाता है। पाक रेडियो पर पीएम मोदी के खिलाफ भी जमकर बोला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुसलमानों के खिलाफ होने की बात बताई जाती है, और तो और पीएम पर कट्टरवादी होने का आरोप भी मढ़ा जाता है। मोदी के जीवन पर व्यंग कसे जाते हैं। भारतीय न्यूज़पेपरों की माने तो पाक रेडियो चैनल LOC पर 30 किलोमीटर अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। 370 हटने से पहले सीमा पर 1-2 किलोमीटर तक सुनाई देते थे, लेकिन 370 के बाद ये घुसपैठ 30 किलोमीटर तक पहुंच गई। वहीं रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ये पाक की खतरनाक साजिश है। सूत्रों की माने तो इस हरकत के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट है और इसे लेकर कई कदम भी उठाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस स्तर तक पहुंच चुका है। भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो वही पाकिस्तान भारत की जलन में रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि किसी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए पाक को चाहिए कि वो भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ भारत के खिलाफ ही काम करेगा और नरक में जाएगा।